दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहर गुजर खान में जो कि 40 मिनट ड्राइव पे है फ्रॉम इस्लामाबाद। मैंने सुना था कि यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर है, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। मैं उसकी तलाश में आज निकला हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको ये मंदिर नहीं नज़र आएगा। वो देखिए, सामने आपको मंदिर नज़र आ रहा है। ये मंदिर आपको उस वक्त की याद दिलाता है बिफोर 1947, जब गुजर खान में बहुत से हिंदूस रहा करते थे। अब इस मकान में कौन रहता है, आए मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ। अच्छा, ये जड़ा ना कि ऊपर सारा देव का मंदिर है। अच्छा, ऊपर जड़ा ना वो मना गुंबद है उन्होंने, तो ये जड़ी है मंदिर होनी सी। मंदिर होनी सी ਇਥੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁੱਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਾਗੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਹਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਨਾ 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 ਜੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਐਂਟਰੀ ਉਧਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਅਸਾਂ 1947 ਮਾਜਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰ। 1947 ਮਾਜਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਚੜੀਏ ਹਕੂਮਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਕੂਮਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। अपना मीरपुर को जगह बजुर्ग क्याम कराया जगह दिखाई जम्मू कश्मीर की जड़िया सन। जिसे सब कुछ खाली सी, खाली सी, खंडर पिया सी, खंडर पे मतलब इन जगह आबाद किया, खंडर सी, खंडर सी। अच्छा अच्छा, तो सर क्या समझे हो, इसमें कोई नाश है, कोई ऐसी कोई मंदिर इसकी आखने पे आता है, तक मंदिर ही आखने पे। अच्छा, तो असन तक में हसनाल इस काफी मंदिर जगह से बहुत पुराना सा बंद है, इसलिए अच्छा काम करने। अच्छा, पार्टनर साला को नहीं तब क्या सा ही जगह है, तो कितना पुराना मंदिर उसी तकरीबन सर समझे कि 47 तो पहले पीपल की बुनियाद तक ही किनो मंदिर तकरीबन मार तो मार 100 साल को ऊपर ना उसी। हां, ज्यादा 100 साल ऊपर उसी, लेकिन ये बहुत छोटा जा रहा है ना। बिल्कुल ना ना, ये काफी जगह सी पीछे भी जगह तो था माजरा बाद होए जड़ी ना जगह सन, जगह तो काफी सी मगर उस खंडर जिला सन बड़ा बहुत ज्यादा दसने के जिला सन पहुंचे ना बिल्कुल वैरान जी जगह। अच्छा, इथे दिया जलाई ना सी, भाई इथे ना चिराग ही वगैरह होने सी, चिराग चिराग छोटे छोटे बुत जड़े दरबार पर दरगाह पर साफ कर रहे तरह बना। अच्छा अच्छा, ऊपर तक सकना? हाँ जी, आओ चलो। तो ना क्या वैसे ना तो दसो, इम्तियाज हुसैन, इम्तियाज हुसैन साहब, बड़ी सब तो पहले गल है कि बहुत बहुत मेहरबानी जी। मैं इम्तियाज हुसैन साहब का साइट से साउंड्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये इतने हॉस्पिटेबल हैं कि इन्होंने हमें अंदर का नज़ारा कराया और हमें टाइम दिया। अभी ये हमें ऊपर लेकर जाएंगे। गुरुद्वारे मदीना मस्जिद है जिन्हें थले करते मंदिर ही होना। अच्छा, पुराना मंदिर भी दसिया ने, फिर कोई ऐसा रोड था जगह दसिया सन, उन्होंने बहुत जदाद दसिया, फिर दसा दो पंप होना साढ़े बजुर्गों का मंदिर को दसिया ने, बड़े खुश हुए गए सन जब पाकिस्तान ने अपनी जगह तखिया ने उस तरह मौजूद हैं। अच्छा, और उन्होंने बड़ी खुशी महसूस की। जबान बोले ना उर्दू जबान गुफ्तगू कर उर्दू जबान। अच्छा अच्छा, स्पीक उर्दू सी उन्होंने, तो उन्होंने बड़ा इस चीज़ की लाइक किया और पसंद किया। अच्छा अच्छा,
ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਾਫੀ ਕਮ ਉਮਰ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। इनको किराया नहीं देना पड़ता, और लेकिन इनको ये भी इजाज़त नहीं है कि ये एक ईंट भी तब्दील करें या कोई भी कंस्ट्रक्शन करें यहाँ पे। गवर्नमेंट से पूछ कर महकमाना इजाज़त लेनी पड़ती है। महकमाना इजाज़त बहुत शुक्रिया नवाजिश, अस्सलाम वालेकुम। जिसने आखिर तक ये वीडियो देखा उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, बड़ी हिम्मत की आपने। मैं कुछ अपने जो ख्यालात हैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। ज़रूरी समझता हूँ कि मंदिर में कोई रह रहा है वो भी मुस्लिम, इसके बारे में मेरे क्या ख्यालात हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए। मंदिर में या तो मंदिर को रेनोवेट करना चाहिए, या तो इसको खाली छोड़ देना चाहिए, या तो जो हिंदू कम्युनिटी है वो इसके साथ जो भी करे। अभी ये जैसे कि उन्होंने बताया कि ये अंडर महकमा औकाफ है, लेकिन मैं क्या कहूँ, अनफॉर्चुनेटली इवन जो इस्लामिक बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनकी भी ठीक से केयर नहीं की जा रही पाकिस्तान में। मुझे नहीं पता महकमा औकाफ क्या करता है, लेकिन दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल इन माई ओपिनियन। एक तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि जिस स्टेट में पुरानी इमारतें हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मुगलिया ज़माने की पुरानी बिल्डिंग्स हो, मसाजिद तो ऐसी हालत में नहीं होंगी, उनकी केयर की जाती है, लेकिन जो मंदिर हैं उनकी भी केयर करनी चाहिए। और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और महकमा औकाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइक मैनी थिंग्स इन पाकिस्तान ये काम ठीक से नहीं हो रहा, और आई होप इन द फ्यूचर इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। आई होप सो। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आपकी राय है, ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे है बेल आइकॉन, उसको दबाना मत भूलिएगा,
यू हैव टू प्रेस ऑल नोटिफिकेशन, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.